मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन बेटमा द्वारा इस संकट की घड़ी में कई कार्य किए जा रहे हैं। बेटमा लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान संस्था बेटमा अभी तक पुलिस प्रशासन के साथ ड्यूटी कर रही थी। वहीं संस्था की गाड़ियां भी ड्यूटी पर लगाई गई है। बड़ी संस्था के सदस्य हर समय प्रशासन के साथ मौजूद रहे, और यही नहीं, वे पुलिस सिपाही को समय समय पर चाय और पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं इंदौर से 4 नए केस सामने आने के बाद अब तक 19 कोरोना पॉजिटिव इंदौर में हो गए हैं। इसी के चलते शहर में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया है। इसी के चलते बेटमा में भी सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें संस्था के सदस्यों ने अपनी सेवाओं में और बढ़ोतरी कर दी है। कंक्लूजन, संस्था बेटमा के सदस्य अनिल शर्मा ने 1000 मास्क बनाए, जो संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के घर घर जाकर वितरित किए गए। लोगों से अपील की है कि संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में ही रहें। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।